हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए FCI रिक्रूटमेंट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी FCI में राशन डीलर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि यहां टोटल 6000 पदों पे एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास। यदि आप 10वीं पास है तो आप भी राशन डीलर बन सकते हैं। और इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं वो भी जानकारी हम आपको बताएंगे, और कौन नहीं कर सकते हैं वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें जो टोटल पोस्ट आपको मिल रही है 6000 पद आपको इसमें मिल रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को कम्प्लीट करवाया जाएगा। और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपका इसमें जो है सिलेक्शन किया जाएगा, कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी के साथ अभी तक संदीप ज्ञान चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाती है। सबसे पहले आपको इस अपडेट में यह बताया गया, आप देख सकते हो, ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं आवेदन, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले नगर निकायों की निर्वाचित जो सदस्य हैं, चाहे किसी ही पद पर क्यों ना हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद 5 वार्ड सदस्य, यानी कि जो पंच है वार्ड सदस्य, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और विधायक तो वैसे ही नहीं अप्लाई करेंगे। इसके बाद आटा चक्की के दुकान के मालिक, यानी कि जो भी आटा चक्की है उनके जो दुकान के मालिक हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। पंचायत समिति के सदस्य नहीं अप्लाई कर सकते। मुखिया नहीं कर सकता, सरपंच नहीं कर सकता, विधान पार्षद नहीं कर सकता, सांसद नहीं कर सकता, और जिला परिषद जो सदस्य हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ये आपको अपडेट बताया गया है, तो ये निम्न जो अभ्यर्थी हैं इनके पास पद है या इनके रिश्तेदार के पास पद है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो कौन अप्लाई कर सकता है और ऐसे कौन से जो व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो सबसे पहले इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित पंचायत अथवा वार्ड, यानी कि नगर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि पंचायत समिति पंचायत स्तर पर जो पंचायत के लोग हैं, और इसके बाद वार्ड नगरीय क्षेत्र में वार्ड के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। महिला सहयोग जो समिति हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा, और पूर्व जो सैनिकों की सहयोग समिति हैं उनको मौका दिया जाएगा। राशन डीलर बनने के लिए एक सुनहरा मौका है, और अभी 4 जिलों में इसका फॉर्म स्टार्ट भी हो चुका है। कैसे अप्लाई करना होगा कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताया, बिहार राशन डीलर भर्ती प्रक्रिया 2022 के आवेदन हेतु तो आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि ये जो पोस्ट है बिहार से है और राजस्थान से भी है, यानी कि बिहार राजस्थान दो राज्य से इस भर्ती प्रक्रिया को या जो इसका फॉर्म निकाला गया है। और इसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, राजस्थान में ग्रेजुएशन है और बिहार में 10th पास है। और इसके बाद इसमें आप देख सकते हो बिहार में 10th पास है, 10th पास के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है, और समान शैक्षणिक योग्यता की समानता होने पर अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि कोई अभ्यर्थी ज़्यादा उम्र में है वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं प्रथम से, तो उनको वरीयता दी जाएगी। और अभी हम बात करेंगे, आप देख सकते हो ये आपको बताया, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से राशन डीलर भर्ती प्रक्रिया अभी फिलहाल पटना जिला के नगर परिषद मसौढ़ी धनरऊ और पुनपुन में प्रधान में निकाली गई है। और ये जो अभी 24 पदों पे हैं, यानी कि इन 3 जिलों में या जो तहसील स्तर हैं उनमें आपको 24 पद मिल रहे हैं। टोटल आपको 6000 पद मिल जाएंगे, यानी कि कंप्लीट बिहार में। और इसका फॉर्म 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी इसका आवेदन स्टार्ट हो गया तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आप किस राज्य से हैं और किस राज्य से राशन डीलर बनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में आपके राज्य संबंधी जो भी फॉर्म निकलेगा उसकी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।